दोस्तों उत्तर प्रदेश होमगार्ड से संबंधित दो जरूरी अपडेट निकल कर आ रही है। दोस्तों बताऊंगा इन अपडेट्स के बारे में पूरा डिटेल से। वीडियो को शुरू करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए चलते हैं पहली अपडेट की तरफ। तो एक आदेश मुझे प्राप्त हुआ है, आदेश की कॉपी आपको स्क्रीन पर दिख रही होगी, जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए ताकि आप बाद में इसको पूरे डिटेल से पढ़ सके। आपकी सहूलियत के लिए मैं इसको जूम कर लेता हूँ ताकि आपको दिखा पाऊँ कि इस आदेश में क्या लिखा हुआ है। आदेश में लिखा हुआ है, प्रेषित समस्त जिला कमांडेंट होमगार्ड उत्तर प्रदेश 27 मई 2020। विषय लिखा है ड्यूटी प्रशिक्षण। 75,745 होमगार्ड स्वयंसेवकों को अवैतनिक अधिकारियों का दिनांक 26/3/2020 से 25/3/2021 तक की अवधि हेतु 24 घंटे का सामूहिक दुर्घटना बीमा कराए जाने के संबंध में। दोस्तों यहाँ पर 26 मई 2020 से लेकर 25 मार्च 2021 तक के लिए दुर्घटना बीमा कराया गया है होमगार्ड भाइयों का, उसी के बारे में आदेश पारित किया गया है। इसमें नीचे की तरफ लिखा है, कृपया उपयुक्त विषय के संबंध में अवगत कराना कि शासन के पत्र संख्या यहाँ पर दी हुई है, 14 मार्च 2020 के क्रम में होमगार्ड विभाग के ड्यूटी प्रशिक्षण। 75,745 होमगार्ड स्वयंसेवकों को अवैतनिक अधिकारियों का 24 घंटे का सामूहिक दुर्घटना बीमा का आच्छादन दिनांक 26/3/2020 से दिनांक 25/3/2021 तक 12 कैलेंडर माह हेतु द ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड लखनऊ से करा दिया गया है। इसके अंतर्गत निम्नानुसार बीमा दावा प्रति होमगार्ड स्वयंसेवक दे होगा। दोस्तों नीचे की तरफ यहाँ पर चार्ट बना दी गई है कि किस तरीके से बीमे की राशि मिलना है, क्या कंडीशन है, ये कंडीशन यहाँ पर सब लिख दी गई है और उस कंडीशन में कितना पैसा आपको दिया जाएगा बीमा के रूप में, तो यहाँ पर वो राशि लिख दी गई है। नीचे की तरफ लिखा हुआ, अतः उक्त के संबंध में निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त स्थितियों में दिनांक 26/3/2020 से दिनांक 25/3/2021 की अवधि में किसी भी ड्यूटी प्रशिक्षण होमगार्ड स्वयंसेवक अवैतनिक अधिकारियों का दुर्घटना के कारण मृत्यु अपंगता अथवा उसके एक अथवा दोनों अंगों की हानि होने पर दुर्घटना के दिन अथवा दूसरे ही दिन प्रत्येक दशा में दुर्घटना की सूचना पंजीकृत डाक से मंडलीय प्रबंधक ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड लखनऊ को भेजते हुए उक्त सूचना की प्रतिलिपि होमगार्ड मुख्यालय को भेजना सुनिश्चित करें। दुर्घटना की तिथि से अधिकतम 30 दिवस के अंदर प्रत्येक दशा में संबंधित बीमा कंपनी के निर्धारित दावा प्रारूप व बीमा दावा व वांछित अभिलेखों को पूर्ण कराते हुए बीमा दावा पर लाभार्थी के हस्ताक्षर एवं लग्नों की छाया प्रति प्रतियों को प्रमाणित करते हुए 2-2 प्रतियों में होमगार्ड मुख्यालय को भेजना सुनिश्चित करेंगे। दोस्तों इसकी दूसरी भी कॉपी है, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये रही दोस्तों इसकी दूसरी कॉपी, यहाँ पर लिखा हुआ है, हुए बीमा दावा प्रस्ताव 2 प्रतियों में प्रत्येक दशा में होमगार्ड मुख्यालय को उपलब्ध कराया जाएगा, जिससे उसका होमगार्ड मुख्यालय पर प्रशिक्षण कराते हुए बीमा कंपनियों को उपलब्ध कराया जाएगा। रणजीत सिंह डिप्टी कमांडेंट जनरल, नीचे की तरफ सभी के नाम लिख दिए गए जिन जिनको ये प्रति भेजी गई है। दोस्तों यहाँ पर उत्तर प्रदेश होमगार्ड्स का बीमा हो चुका है, बीमा की कितनी राशि मिलेगी पूरा ब्यौरा इसमें दिया हुआ है, किस हिसाब से राशि मिलना है पूरी सारणी के रूप में बता दिया गया। चलिए दोस्तों चलते हैं आज की अगली अपडेट की तरफ। अगली अपडेट निकल कर आ रही है उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर से, होमगार्ड कंपनी कमांडर पर फर्जी बाड़े का आरोप। होमगार्ड विभाग में घोटाला उजागर होने के बावजूद कुछ अधिकारी अपनी मनमानी से बाज नहीं आ रहे हैं। जहांगीराबाद में तैनात एक होमगार्ड ने कंपनी कमांडर पर फर्जी बाड़े का आरोप लगाया है। मामले में SSP से शिकायत कर कार्रवाई की मांग की गई है। जहांगीराबाद कंपनी में तैनात होमगार्ड मदन गिरी ने SSP को शिकायत पत्र भेजकर बताया कि एक कंपनी कमांडर उसके खाते में होमगार्ड की फर्जी ड्यूटी की रकम जमा कराता है और उस पर दबाव बनाकर रुपए खाते से निकलवा कर ले जाता है। आरोप है कि कंपनी कमांडर ने 20 मई को उसके घर आया और उसके खाते से 16,146 रुपए जमा कराने की बात कहते हुए एक चेक लेकर चला गया। चेक बाउंस होने पर 23 मई को उक्त कमांडर पुनः उसके घर आया और पीड़ित पर खाते से रुपए निकालने का आरोप लगाते हुए उसे धमकी दी। पीड़ित ने उक्त कंपनी कमांडर पर फर्जी प्रमाण पत्र लगाकर ड्यूटी हासिल करने का भी आरोप लगाया। मामले में SSP से जांच की मांग की गई है। गौरतलब है कि करीब 4 माह पहले ही होमगार्ड की फर्जी ड्यूटी लगाकर करोड़ों रुपए की रकम बंदरबांट करने का मामला सामने आया था। इसमें गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, लखनऊ आदि स्थानों पर FIR दर्ज कराई गई। बुलंदशहर में अभी भी मामले की जाँच लंबित है। तो दोस्तों उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में एक होमगार्ड जवान ने होमगार्ड कंपनी कमांडर पर फर्जी बाड़े का आरोप लगाया। दोस्तों आप लोग कमेंट करके अपनी यहाँ का हाल बताइए, आपके यहाँ क्या हाल है, क्या आपके यहाँ भी इस तरह का कोई फर्जी बाड़ा चल रहा है या फिर नहीं, और ये भी बताइए कि आप लोग उत्तर प्रदेश के किस जिले से रहने वाले। नीचे कमेंट बॉक्स में आके अपने जिले का नाम लिखिए और आगे लिखिए होमगार्ड, जिससे कि आगे मुझे न्यूज देने में मदद मिलेगी। वीडियो पसंद आया हो तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें अपने दोस्तों के साथ। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो के ठीक नीचे एक लाल रंग का सब्सक्राइब का बटन दिख रहा हुआ, आप उसको दबाइए और दबाने के बाद एक बेल का आइकॉन आएगा, आप उसको दबाइए ताकि इस तरह का नया
वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। और अपना ख्याल रखिएगा, फिर मुलाकात होगी। थैंक यू।